नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। हैदराबाद के दौरे से लौटने के बाद बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, बीजेपी में सभी तबकों को प्रतिनिधित्व मिलता है। वहीं बिहार में निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने निवेश के लिए दक्षिण का दरवाजा खटखटा दिया है, अब काफी संख्या में लोग बिहार में निवेश करना चाहते हैं। बिहार में सुशासन के कारण अब निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है, जल्द ही राज्य के अंदर कई नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। लोग आए हैं विभिन्न विभाग से, कृषि विभाग से, मेरे नलजल विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, सामान्य विभाग से, सारे लोगों का आवेदन को हमने संबंधित विभाग को दिया है। टेलीफोन से भी बात करके पदाधिकारियों से इसके निराकरण का भी दिया है और पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य विभाग से कुछ लोगों का आर्थिक मदद था, उसके लिए भी हम लोगों ने उसे आय प्रमाण पत्र की मांग की है। इस तरह से अभी 4 दिन हुआ है हम लोगों का। कौन मना रहा है? हाँ तो किसको क्या रोका जा रहा? मंडल जी का बहुत देर से मंगा है, इतना देर से क्यों मना रही हैं? बराबर मनाना चाहिए। मंडल कमीशन को तो बीजेपी ने खुद ही स्वीकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले मंडल कमीशन जब आया, हमने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने इसका कभी विरोध नहीं किया। खबर मोतिहारी के तुरकौलिया से है, जहां तुरकौलिया प्रखंड के तुरकौलिया स्कूल चौक से हॉस्पिटल, थाना और प्रखंड मुख्यालय जाने वाले मुख्य सड़क पर जल जमाव के कारण करीब 2 माह से आवागमन बाधित है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों की माने तो पानी निकासी का साधन नहीं होने के कारण हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। जल जमाव के कारण सड़क भी जर्जर हो चुका है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन मुख दर्शक बनी हुई है। बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। बच्चे लोग इतना गड्ढा बन गया कि सभी लोग परेशान है, पानी में जल जमाव। हम लोग ने मुखिया और वार्ड को सबको खबर किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक तक हम लोग खबर किया, विधायक तक भी कोई सुनने वाला इसका कोई नहीं है। हम लोग का बहुत दिक्कत है, जाने आने में बहुत दिक्कत है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से थाना तक लेके रोड अच्छा बन जाए, हम लोग का चौक पर तक ले, जो हम लोग का जाने आने में सुविधा हो के। हर हमेशा पानी यहाँ लग जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है पानी। रोड से आवागमन कर रहा है, किस तरह का समस्या है? हम लोग को दोनों तीनों समय जाना आना रहता है। हम लोग का सिराही सेंटर यहाँ चलता है, थाना प्रभारी या ऐसी विधायक से, मुखिया से, सब लोग मारे खबर करें, कोई नहीं सुन रहा है। समस्या तो समझ ली कि इतना ना समस्या है कि समझ ली गड्ढा है इतना रोड पे। हम लोग गिर जा रहे हैं, बच्चा सभी पढ़ने लिखने आता है, सब लोग गिर जा रहा है। लड़का का तो हाथ टूट गया, समझ लीजिए मेन मुख्यालय से जुड़ा हुआ रोड है। इसमें इस रोड से हॉस्पिटल से समझ लीजिए हॉस्पिटल प्रभारी भी आते हैं, थाना प्रभारी भी आते हैं, BDO साहब, CEO साहब, सभी लोग आते जाते हैं। मोकामा क्षेत्र में 24 घंटा बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से स्थापित बरहपुर बिजली उपकेंद्र उद्घाटन के 2 साल बाद भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। मोकामा पश्चिमी टाल क्षेत्र में पटवन और लोगों को बिजली सेवा देने में ये बिजली उपघर नाकाम साबित हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि घटिया बिजली उपकरण से बना ये बिजली उपघर अपनी क्षमता आज तक हासिल नहीं कर सका। इसे लेकर लोगों ने कई बार विद्युत विभाग के JEE और अधिकारियों को पूरी जानकारी भी मुहैया कराई, मगर लाल फीताशाही ने 4 करोड़ की लागत से निर्मित बरहपुर बिजली उपघर को सफेद हाथी बनाकर छोड़ दिया। 4 फीडर में फीडर काम नहीं करता है, बिजली यहां से आपूर्ति नहीं होती है। आपने कंप्लीट करके अभी तक दिया नहीं 2 साल में। देखिए, 4 फीडर तो प्रॉपर ही चालू है, आपको स्कॉपी मिलेगा कब चालू किया गया। बीच में इस बार अप्रैल मई के महीने में जब लॉकडाउन था, उस समय हमारा फीडर एक स्टेशन ट्रांसफॉर्मर जल गया था, उसकी वजह से हमारे 2 लाइन के फीडर जो हैं वो उसके CT इम्बैलेंस हो गए थे। हमने कंप्लेन भी किया है, CT जो इस कंपनी का पैनल है उसका CT आने में समय लगता है। भागलपुर में अपने ही जमीन के लिए एक गरीब ब्राह्मण किसान दर दर भटकने को मजबूर है। मामला भागलपुर के कहलगांव प्रखंड क्षेत्र का है, जहां अवधेश झा के जमीन पर दबंगों ने डुप्लीकेट कागज बनाकर अवैध रूप से जबरन कब्जा किए बैठे हैं। आए दिन दबंगों के द्वारा ब्राह्मण किसान परिवार को धमकी दी जाती है, साथ ही उन्हें गाँव छोड़कर जाने को भी कहा जाता है, जिसके कारण पूरा परिवार भयभीत है। हम लोगों के पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है। हम लोग श्री श्री 108 राधा कृष्ण ठकुरबाड़ी
पूजा पाठ हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और हम कर रहे हैं। हम लोग सभी परिवार अपना पूजा पाठ करके भरी पोषण अपना पेट पालन करते हैं और गांव समाज में भी पूजा पाठ करते हैं। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। हम लोगों के ऊपर जो भी चढ़ा बैठा हुआ जमीन है, वो जमीन यहाँ के लोग जो है दबंग है वो हड़पने के लिए चाह रहा है। हम लोगों के साथ कई बार जवन संबंधी के लेकर के केस मुकदमा भी हो गया। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में घात लगाए अपराधियों ने बखरी बुजुर्ग पंचायत के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त घटी जब पूर्व मुखिया पंचायती करने के लिए पास के ही एक गांव में गए हुए थे। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुखिया समर्थकों ने NH 28 पर आगजनी कर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच लोगों को शांत कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। होने के बाद ही लोग चलने के लिए तैयार, गाड़ी में बैठ गया। फिर दूसरा आदमी आता है, कहता है मुखिया जी एगो बात पर रह गए, यहाँ से बतिया अरे नीचे करो। उसी सा खोलता है, तब तक दो तीन की संख्या में ही था पीछे लोग, अब कौन उसी में से। मुजफ्फरपुर में राजद के प्रदेश महासचिव सह दरभंगा जिला प्रभारी शबीर अंसारी ने राजद द्वारा आगामी 7 अगस्त को जातीय जनगणना की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शन को लेकर कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों के सड़कों पर राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जातीय जनगणना की मांग को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाए। वहीं उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार पिछड़ा विरोधी है। आयोग और भारत सरकार जो बजट बनाती है उन पिछड़े समाज के लोगों के लिए बजट में प्रस्ताव पारित करके उनके विकास के लिए बाजाब्ते फंड निकाला जाता है और उनके विकास पर खर्च किया जाता है। अब पिछड़ों में कितनी आबादी है और पिछड़ों में किनकी कितनी आबादी है, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक विकास का काम, पिछड़ों के ऊपर विकास के लिए कितना खर्च किया जाए, ना ये योजना आयोग तय कर सकती है, ना कोई केंद्र सरकार तय कर सकता है अपने बजट में। इसलिए हमारी पार्टी का मानना है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मानना है कि इस बार फिर से होना चाहिए जातिगत जनगणना। खबर वैशाली के सहदेई ओपी क्षेत्र से है, जहां सहदेई ओपी क्षेत्र के पहियार पंचायत क्षेत्र में पैसा लूटने की नियत से घात लगाए अपराधियों ने LNT फाइनेंस कर्मी को गोली मार दी। आंख के पास गोली लगने के कारण घायल व्यक्ति की आंख घटनास्थल पर ही निकल गई। हालांकि अपराधी पैसा लूटने में सफल नहीं हो पाए। सूचना मिलते ही सहदेई ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को नाजुक स्थिति में सहदेई PHC लाई, जहां नाजुक स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया। लड़का वो छोटा है जो पिस्टल मारा है, वो छोटा है या जो चला रहा था उतनी सियाना है। अच्छा। माने लड़का तो यो साला बुढ़े है, माने है टर्निंग को मारा गोली मारा, फुट सी वाला आवाज हुआ, लड़का गिर गया है। वो गाड़ी रोक के उतर के फिर गोली ठोक। अच्छा अच्छा। पुलिस आई थी? अभी पुलिस आई थी ना? अभी आया, पुलिस लेके गया। अच्छा। हम क्या किए जे आँख में लगले था, जब फुट फुट के हम ढोए नहीं कि गाड़ी का आपका नंबर देखे या कुछ, हल्ला किए घरिये रे। जब आगे गया वहाँ एगो अथी के कार्टून फेंका, ठंडा वाला वो कार्टून फेंका, लेकिन उस पर भी गोली टांग दिया। काहे के ये उठे साला डरता है लोग ना। हां डर गोली। बेगूसराय के GD कॉलेज प्रांगण में थाना परिसर खोलने की अनुमति देने से नाराज AISF के छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य के समक्ष प्रदर्शन किया। दरअसल विश्वविद्यालय के द्वारा शहर के सबसे बड़े कॉलेज GD कॉलेज में 16 कट्ठा जमीन रतनपुर थाना को खोलने के लिए देने का आदेश निर्गत किया गया है। इसी से नाराज AISF के छात्र लगातार प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज कैंपस शिक्षा का मंदिर है, यहाँ थाना खोलना कहीं से भी जायज नहीं है। नहीं सहेंगे। आवाज तो हम एक है, हम एक है। आवाज तो हम एक है, हम एक है। शिक्षा के मंदिर में पुलिस की चौकी नहीं सहेंगे। शिक्षा के मंदिर में पुलिस की चौकी नहीं सहेंगे। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो परसों नोटिफिकेशन आया है कि 16 कट्ठा जमीन GD कॉलेज का जमीन लेकर रतनपुर थाना खोलने का काम VC द्वारा और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मैं सीधा तौर पे ऐलान करता हूँ कि अगर GD कॉलेज कैंपस में अगर
थाना चौकी खुलेगा तो अभी हम लोग प्रतिरोध मार्च और शांति मार्च निकाले हैं आने वाले दिनों में जिला प्रशासन के खिलाफ और डीसी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।